को लिए चलते हैं शोबिज न्यूज की जानिब। गैर इखलाकी जुमलों और जिनसी इशारों के बाद फिल्म लफंगे की ईद उल अज़हा पर रिलीज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान सेंसर बोर्ड की जानिब से कॉमेडी हॉरर फिल्म लफंगे पर पाबंदी का फैसला किया गया और वजह यह बताई गई कि इस फिल्म में गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स शाहरुख खान और सलमान खान 1995 के बाद एक मरतबा फिर एक साथ फिल्म में दिखाई देंगे। दुनिया भर में किंग खान और दबंग खान के अनगिनत मदा हैं जो दोनों को एक साथ देखने के लिए बेताब रहते हैं। चनाचा अब इनका इंतजार खत्म हो गया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख और सलमान के लिए फिल्म रानी मुखर्जी के शोहर आदित्य चोपड़ा लिखेंगे ताकि फिल्म का नाम तहा सोचा नहीं गया। लाहौर में वर्ल्ड म्यूजिक डे की मुनासबत से मौसीकी की खूबसूरत महफिल सजाई गई। जर्मन और फ्रेंच सेंटर के तावन से म्यूजिक शो में जोशुआ जावेद और दी आल गर्ल बैंड की अलग अलग परफॉर्मेंस ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। वर्ल्ड म्यूजिक डे का मकसद मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। लाहौर में जर्मन और फ्रेंच सेंटर के जेर एहतमाम मौसीकी की तकरीब में जोशुआ जावेद बैंड ने सुर और ताल का मेल मिलाकर गीत सुनाए।